हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी चटनी, जो हम हलवाई से लेके आते हैं कई बार समोसे और चाट के साथ। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे बिना गुड़, बिना इमली के घर की ही चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें हम एक कप चीनी डाल देंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो घर की किसी भी कटोरी के साथ नाप कर आप डाल सकते हैं। अब 1/3 कप हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, इससे इसको थोड़ा सा खट्टापन मिलेगा। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 कप पानी डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑन किया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, अगर आप इसे थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो इसमें आप 1/2 कप पानी और डाल सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखने वाले हैं। देखिए, चटनी में अच्छा उबाल आ गया है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गई है। अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर 2 टीस्पून देगी मिर्च डाल देंगे। देगी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है। इससे इसका कलर बहुत ही सुंदर आएगा। अच्छे से इसको चला लेंगे। देखिए, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया है और चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल हलवाई जैसा लुक देने के लिए इसमें खरबूजे के बीज डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। हमने इसके अंदर किसी भी इमली या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे समोसे या किसी भी चाट के साथ खा सकते हैं, उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए, चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है। चटनी को फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। आप इसे कभी भी चाट के साथ खा सकते हैं। चटनी को खट्टापन देने के लिए हमने इसके अंदर आमचूर पाउडर डाला है। देखिए, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद चटनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए, चटनी ठंडी हो गई है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अगर घर में चटनी पड़ी होगी तो चाट बनाने में कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी चाट बना सकते हैं। चटनी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।